शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात का तापमान सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। इस मौसम में गुलाबी ठंड का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के बीच दिन और रात के तापमान में भारी अंतर बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार को मध्य प्रदेश के गुना जिले में दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले कुछ दिनों में रात के तापमान में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले सालों की बात की जाए तो दीपावली के बाद से गुलाब ठंड का असर देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार दीपावली से पहले ही ठंड ने प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है। भोपाल में दिन भर तेज धूप रही, जिसके बाद सूर्य के ढलते ही तापमान में गिरावट आई। शाम के समय मौसम में ठंडक का अनुभव किया गया। सुबह के समय खासकर मैदानी इलाकों में हल्की धुंध भी देखी गई, जिसने ठंड के एहसास को और बढ़ा दिया। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में और अधिक गिरावट हो सकती है। गुना जिले के अलावा रतलाम में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और उज्जैन में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस प्रकार विभिन्न जिलों में तापमान में भिन्नता देखने को मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौसम में बदलाव का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट और मैहर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना से तापमान में और गिरावट आ सकती है और ठंड के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। गुलाबी ठंड का यह मौसम मध्य प्रदेश में एक विशेष परंपरा का हिस्सा है। दीपावली का त्योहार समाप्त होते ही ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। इस बार गुलाबी ठंड ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है, जिससे लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर ठंड का आनंद लेने की तैयारी कर रहे हैं। खासकर सुबह और शाम के समय लोग स्वेटर और जैकेट पहनने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। इससे स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंड से बचने के उपाय करें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से अधिक सावधान रहने की जरूरत है। इस मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में ठंड का आगमन एक नई चर्चा का विषय बन गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि लोग बदलते मौसम के अनुसार अपनी तैयारियां कर सकें।